संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। जय श्री राम भक्तों, हनुमान चालीसा का पाठ 100 बार कैसे करना चाहिए, हमें इसके क्या लाभ मिलते हैं, पाठ कैसे करना है, कब करना है, पूर्ण विधि और नियम क्या है, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब कुछ आज हम जानेंगे। और अंत में ये भी जानेंगे कि भक्तों का इस पाठ को करने के बाद कैसा अनुभव रहा है। यह 7 बार पाठ कर जो ही छूट ही बंदी महासुख हुई, 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होता है, देखिए। हनुमान जी की ऐसी साधना करने से याचक के जीवन में कोई भी संकट रह जाए ऐसा संभव नहीं है। रुपया पैसे की तो बात ही मत कीजिए, याचक के जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहती और आपका ऐसा कोई कार्य नहीं जो हनुमान जी न कर सके। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि जो पहले से नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करते आ रहे हैं उन्हें तो पहली बार में ही अनुभव हो जाएगा, और जो कभी कभी पूजा करते हैं या हनुमान जी की पूजा की शुरुआत कर रहे हैं उन्हें पहली बार में हनुमान जी की शक्तियों का अनुभव होने के चांस थोड़े कम है। और आपके भाव पर डिपेंड करता है, यदि आप पहली बार में बिल्कुल भाव में आकर हनुमान चालीसा के 100 पाठ कर जाएं तो आपको पहली बार में भी अनुभव हो सकता है। और हाँ, यदि आप केवल अनुभव के लिए कर रहे हैं कि देखते हैं काम बनता है या नहीं, आपके अंदर हनुमान जी के लिए कोई भाव ही नहीं है, तो फिर उसका कोई लाभ नहीं है। तो 100 बार हनुमान चालीसा करने की विधि क्या है, आप किसी भी मंगलवार या शनिवार को यह कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठ जाए, स्नान आदि करके 8 बजे से पहले आपके घर में जो हनुमान जी का विग्रह है उन्हें स्नान करा दे, एक बार हनुमान चालीसा पढ़ ले, और उसके बाद जैसी भी आपकी दिनचर्या है, आप जॉब पर जा सकते हैं या कोई काम करते हैं तो काम कर सकते हैं। फिर आपको रात को 8-9 बजे हनुमान जी के लिए लाल कपड़े का एक आसन लगा लेना है, उस पर हनुमान जी को विराजमान कर दे, राम दरबार को भी विराजमान कर दे, और दीपक लगा ले, घी का दीपक लगा सकते हैं, तिल के तेल का या चमेली के तेल का, जैसा भी आपके पास अरेंजमेंट हो। और यदि किसी का भी प्रबंध ना कर सके, धन की यदि समस्या हो, तो धूप बत्ती भी लगा सकते हैं, केवल यदि दीपक का प्रबंध ना कर सके तो। और साथ ही में हनुमान जी के लिए कुछ भोग लेकर अवश्य बैठे, जैसे बूंदी, लड्डू, खीर, हलवा, रोट, कुछ भी जिसका भी आप प्रबंध कर पाए, यदि कुछ भी नहीं तो गुड़, चने या मिश्री, जैसा भी मतलब आप प्रबंध कर पाए। और रात को स्नान करके अवश्य बैठे, 8-9 बजे जब आप पाठ करने बैठते हैं तो स्नान अवश्य करें। और बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या दीपक जलाना जरूरी है, बिना दीपक जलाए नहीं कर सकते, तो देखिए दीपक जलाना बहुत आवश्यक है। जब हम दीपक जलाएंगे तो हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे, हे हनुमान जी कृपया इस दीपक पर विराजमान हो जाइए। और आवश्यक दीपक जलाना इसलिए है कि दीपक साक्षी होता है, आप 100 बार हनुमान चालीसा के पाठ कर रहे हैं, इसका साक्षी दीपक बनता है, यानी प्रूफ। आपको पता है जब हनुमान जी ने श्री राम और सुग्रीव की मित्रता कराई तो अग्नि को साक्षी मानकर उनकी मित्रता करवाई थी, और माता सीता ने भी अग्नि परीक्षा दी अग्नि को साक्षी मानकर। और आपको पता ही है हमारे यहाँ विवाह में भी अग्नि को साक्षी मानकर फेरे कराए जाते हैं, तो दीपक अवश्य जलाएं और सभी को राम दरबार को हनुमान जी को तिलक लगाएं और एक लोटे में जल लेकर बैठें। फिर आपको हनुमान चालीसा से पहले गणेश जी की स्तुति करनी है, और फिर 10-15 मिनट सीताराम भगवान का नाम कीर्तन कीजिए, या 2-3 मिनट, 2-4 मिनट, जितना भी आप कर पाए, या ओम राम रामाय नमः इस मंत्र की एक माला कर लें, और फिर हाथ में थोड़ा सा जल लेकर संकल्प लीजिए, हे हनुमान जी मैं 100 बार आपकी चालीसा का पाठ करने जा रहा हूँ, कृपा करके मेरे पाठ को स्वीकार कीजिएगा, मेरी यह अमुक इच्छा है, जो भी आपकी इच्छा हो उसे हनुमान जी से कहकर प्रभु मेरी यह मनोकामना पूर्ण करना। तत्पश्चात आप अपनी पहली हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और मेरा सुझाव यह है कि हनुमान चालीसा की पुस्तक लेकर आप पाठ कीजिए, क्योंकि चाहे आपको कंठस्थ ही क्यों ना हो, याद ही क्यों ना हो, हमने देखा है भक्त जब इतनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो गलती होने के चांसेस अधिक होते हैं। और जैसे आपकी पहली हनुमान चालीसा पूरी हो जाए तो उसके बाद आप मंगल भवना मंगलहारी, दीन दयाल बिरज चंबारी, या किसी को कोई रोग है तो नासे रोग हरे सब पीड़ा, इन चौपाइयों का पाठ कीजिए। ऐसे आप हर हनुमान चालीसा के बाद ऐसी किसी चौपाई का पाठ करेंगे, इस तरह संपुट लगाकर हनुमान चालीसा करते जाइए। और आप हर हनुमान चालीसा के बाद हनुमान जी के किसी मंत्र का भी जप कर सकते हैं। अब जैसे आपने पहली हनुमान चालीसा की, उसके बाद किसी मंत्र या चौपाई का जप किया, जैसे नासे रोग हरे सब पीड़ा इस चौपाई का जप किया, उसके बाद आपने जो जल लिया था लोटे में उसमें फूंक मार दीजिए। ऐसे ही दूसरी हनुमान चालीसा के बाद, तीसरी के बाद, हर 100 हनुमान चालीसा के बाद आपको उस जल में फूंक मारना है। इससे वह जल बहुत ही शक्तिशाली अभिमंत्रित जल हो जाएगा, और फिर यदि आप वह जल किसी रोगी को पिलाते हैं तो उसे रोग से मुक्ति मिल जाएगी। और घर में यदि नेगेटिविटी है तो आप उस जल को पूरे घर में भी छिड़क सकते हैं। और जब आपकी 100 हनुमान चालीसा पूरी हो जाए तो आपको फिर से हनुमान जी से कहना है, प्रभु मेरी यह इच्छा है, कृपा करके इसे पूरा कीजिए। और फिर अंत में 10 से 15 मिनट आपको सीताराम भगवान का नाम कीर्तन करना है। और जितनी भी देर आपका पाठ चले आपको दीपक का ध्यान रखना है, दीपक जलता रहना चाहिए, उसमें घी या तेल जो भी है उसे बढ़ाते रहिए। और जो भी सच्चे भाव से हनुमान जी की 100 चालीसा का पाठ करेगा उसे पहली ही बार में हनुमान जी की शक्तियों का अनुभव होगा, अवश्य होगा। प्रभु भाव के भूखे हैं, वे केवल भाव देखते हैं, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा।
पार है। अब मान लीजिए 100 लोग हनुमान चालीसा का पाठ 100 बार करते हैं तो उनमें से केवल 20 से 30 या अधिक से अधिक 40 से 50 भक्तों को हनुमान जी का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि हमसे ही कोई कमी रह जाती है, हमसे ही कोई त्रुटि हो जाती है। कभी हमारा ध्यान कमर दर्द में चला जाता है, कभी कोई सोचता है अरे यार कहां मैं 100 पाठ करने बैठ गया, 11-21 पाठ ही कर लेता उतना ही बहुत था, ये पाठ कब खत्म होगा। परंतु जो भक्त सच्चे मन से भाव में पाठ करने में लगा रहता है उसे हनुमान जी का अनुभव अवश्य होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और जो भक्त पहली बार हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं वे कम से कम 5-7 बार इसको कीजिए, 5-7 मंगलवार और शनिवार लगातार 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और जब आपके 100 पाठ पूरे हो जाए तो अंत में हनुमान जी से कहिएगा प्रभु कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करिए, और अंत में हनुमान जी की आरती भी अवश्य करिएगा। अब कोई सोचे कि मैं दिन में पाठ कर लूंगा तो देखिए इसमें कोई समस्या तो नहीं है, दिन में पाठ किया जा सकता है, परंतु एक तो ध्यान नहीं लगता, शोर शराबा बहुत होता है, और हनुमान जी के किसी भी पाठ का फल रात्रि में अधिक बताया गया है। और हनुमान जी को भोग लगाइए, खुद भी पाइए और घर वालों को भी पवाइए, और कुछ सावधानी रखिए जैसे प्याज लहसुन उस दिन ना खाए, ब्रह्मचर्य का पालन करें, बस यही है। और कुछ लोग मांस मदिरा का पूछते हैं तो देखिए जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं वे भक्ति नहीं केवल नाटक करते हैं, मांस मदिरा का उस दिन तो क्या कभी भी सेवन नहीं करना है। और यदि अनुभव की बात करें तो एक भक्त थे जिनका अनुभव मुझे याद आ रहा है, उनके पिताजी का ऑपरेशन था कई घंटों का, तो उन्होंने ऑपरेशन के साथ साथ 100 हनुमान चालीसा का पाठ किया, और ऑपरेशन पूरा होने के बाद डॉक्टर ने उन्हें बताया कि आपके पिताजी की सांस थोड़ी देर के लिए रुक गई थी, मतलब शरीर में सांस ही नहीं थी, और फिर अपने आप थोड़ी देर बाद सांसें चलने लगी। और कोरोना के समय में भी कई सारे ऐसे भक्त हैं जिनके जीवन पर बात आ गई थी, उन्होंने 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया और उन्हें लाभ अवश्य मिला। अब बात यह है कि बहुत से लोग हनुमान जी की पूजा केवल इसलिए करते हैं कि हमारा ये अमुक कार्य हो जाए, ये कार्य सिद्ध हो जाए, उन्हें भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, हनुमान जी के लिए उनके हृदय में कोई भी भाव नहीं है। तो बस थोड़ा भाव का ध्यान रखिए, भाव से पाठ कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।